हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश, आपको स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब KE&E ग्रुप चैनल में। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने से पहले ये तीन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। आपको इसमें पूरा सेविंग फंड नहीं डालना है। ध्यान रखिए, आपको उतना अमाउंट डालना है जो अमाउंट आपको आने वाले 7-8 साल तक की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी, आपको पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग के बेसिस पे आपको एक म्यूचुअल फंड चुनना है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। जी हाँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मार्केट की भाव बहुत गिर चुकी है और जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। एक फंड के बारे में मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये आपका लार्ज कैप का फंड है। यहाँ पर आपको रेटिंग 5 मिल जाता है, एनुअली रिटर्न मिल जाता है 11.29% सिंस इंसेप्शन, जो ही बहुत हाई है आज कंपेयर टू FD। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा था और एक बार नीचे तुरंत आ गया है कोरोना का आउटब्रेक के लिए। बीच में 2016 में भी एक बार डाउन हुआ था, एकदम से 30 से 26 तक आ गया था NAV, फिर वापस 36 में पहुँच के अब आ गया है 27 पे। तो ये जो मार्केट है वो टेम्पररी डाउन है कोरोना के वजह से। जैसे कि कोरोना का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये तुरंत ऊपर जाएगा। यहाँ आप मिनिमम SIP 500 में भी कर सकते हैं। देख लीजिए, फंड स्टार्ट उसका हुआ था 1 जनवरी 2018 में और इसका फंड साइज आप देख सकते हैं जो कि 11,824 करोड़ है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स कौन सी कंपनी का है। बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, HDFC, इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेशनल इंडिया। बहुत बड़े बड़े कंपनी का होल्डिंग्स है इसमें और इसका जो फंड मैनेजर है उनका नाम है श्रेयस दिवालकर। करंट सिचुएशन के हिसाब से आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभवान होंगे। एक है टाइम टू टाइम वाइज, दूसरा है प्राइस टू प्राइस वाइज। टाइम टू टाइम वाइज क्या है, आपको जितना इन्वेस्ट करवाना है आप उसको 5 भाग कर दीजिए और हर सप्ताह उसको डालिए आने वाले 5 सप्ताह तक। और दूसरा है प्राइस टू प्राइस वाइज, उसमें भी आप सिमिलरली 4 से 5 भाग अमाउंट कर दीजिए और निफ्टी के हर 500 पॉइंट गिरावट पे उस पर लगाइए। जैसे कि निफ्टी 9,500 पे है या फिर 9,000 पे है, फिर 8,500 या फिर 8,000। पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग के हिसाब से कुछ फंड को रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ, कनाडा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड। मिड कैप में कोटाक एमर्जिंग इक्विटी फंड, इन्वेस्को मल्टी कैप फंड। इन्वेस्को मल्टी कैप फंड वो एक रिलायंस का नाम बदल चुका है, वो इन्वेस्को हो गया है। एंड अनदर वन इज DSP मल्टी कैप फंड। स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रोडेंशियल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मल्टी कैप में आपका है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटाक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। आपके सामने अभी मेरा पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हैं पर डे के हिसाब से इसका कितना रिटर्न परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मार्केट अब रिकवर कर रहा है। आप ग्रो ऐप के जरिए भी, मोबाइल से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर कुछ आप जानकारी या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।